पावन श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपको श्रावण सोमवार एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे तैयार किया है हमारे संवाददाता दिनेश दसूंदी ने। आइए देखते हैं श्रावण सोमवार को लेकर हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश दसूंदी और आज हम आपको श्रावण सोमवार विशेष में लेकर चल रहे हैं मंदिरों की नगरी ऊन में, जो ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ राजा बल्लाल ने 99 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से आज भी कुछ मंदिर यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 13वीं शताब्दी का वह साकार जो आज भी अपने सिर को उठाए अपनी मौजूदगी को दर्ज कर रहा है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा बल्लाल ने बनाया था और यहाँ 13वीं शताब्दी के पाषाणी मंदिर के अंदर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग विराजमान है। आप देख सकते हैं इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन वर्ष भर होता रहता है और इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम देखते हैं कि वर्ष भर होता रहता है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या धार्मिक महत्व है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का ऊन गांव अपनी ऐतिहासिक पुरातन धरोहर के लिए देश भर में जाना पहचाना जाता है। जिला मुख्यालय से पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर की दूरी पर एक नगरीय रस्ती बस्ती है जिसे उसका मौजूदा नाम उसके स्वयं के इतिहास ने दिलाया है। बताया जाता है कि यहाँ 13वीं शताब्दी में बल्लाल नाम के राजा ने 100 मंदिरों के निर्माण करवाने का संकल्प लिया था, किंतु बदकिस्मती से यहाँ केवल 99 मंदिर ही बन पाए थे। यही कारण है कि गणना में एक अंक से न्यून यानी कम होने वाले इस स्थान को ऊन नाम दिया गया। मान्यता यह भी है कि राजा बल्लाल द्वारा यहाँ देश भर के प्रसिद्ध सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से अलग अलग 12 शिव मंदिर बनवाए गए थे। ग्राम का महाकाल मंदिर भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जाता है। यह मंदिर अपने पुरातन इतिहास के साथ लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। लोगों का मानना है कि यहाँ विराजित पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के पूजन के समान फल मिलता है। यही कारण है कि यहाँ वर्ष भर पूजन अभिषेक के सिलसिले चलते रहते हैं। खास तौर पर यह मंदिर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले भगवान शिव के विशेष व्रतों के पूजन के लिए विशेष माना जाता है। श्रावण माह में यहाँ के शिव पार्थिव शिवलिंग का पूजन अति महत्व रखता है। हर सोमवार यहाँ भक्तों का तांता लगता है। गौरतलब है कि 13वीं शताब्दी के इस मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी शिव पूजन का सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। उनसे दिनेश दसौंदी की रिपोर्ट। काफ़ी यहाँ पे श्रावण में यहाँ पे भगवान का श्रृंगार होता है। दीपावली के टाइम पे भी यहाँ पे श्रृंगार होता है और अच्छे और भी कार्यक्रम यहाँ पे होते रहते हैं। इनके अनुसार इस मंदिर में पूजन करना एक विशेष महत्व रखता है और हमारे साथ एक श्रद्धालु मीनाक्षी बाग। इस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ बताइए, मंदिर की महिमा के बारे में बताइए। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे 16 सोमवार और हर सोमवार पूजा होती है और यहाँ पे कई सालों से पूजा हो रही है। अच्छा, कब से पूजा हो रही है यहाँ पे? कई वर्षों से, आज हमको 35-40 साल, 35-40 साल हो गए। अच्छा, तो जैसे यहाँ पूजन करते हैं तो उसके फल वगैरह किसे क्या मिलता है, क्या रहता है? अच्छा है, पुरानी मूर्ति है तो ज्यादा उसका लाभ मिलता है, पुरानी मूर्ति। इनका कहना है कि यहाँ अति पाषाणी शिवलिंग विराजमान है और उसके पूजन से बहुत अच्छा फल मिलता है। आज श्रावण सोमवार विशेष में हमने ऊन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जाना। अगली बार फिर से श्रावण सोमवार विशेष में एक और रिपोर्ट लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। SW24 मध्य प्रदेश के लिए दिनेश दसौंदी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।